बहादुरगढ़ हरियाणा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार किसान नेता रवीश दलाल ने रविवार को इसरहेड़ी, सिद्धिपुर, लोवा सहित कई गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। बुजुर्गों ने विजय का आशीर्वाद दिया। रमेश लाल ने ग्रामीणों से फूल मालाएं पहनने के बजाय उन्हें ही मालाएं पहनाई और इस चुनाव में सहयोग व समर्थन मांगा। रमेश दलाल ने कहा कि इसरहेड़ी, सिद्धिपुर, लोवा आदि गांव मेरा परिवार है। परिवार के लोग हमेशा अपनों की जिताते हैं। मैं यहां अपने घर में आया हूं और लोगों ने मुझे खूब प्यार दिया। रमेश लाल ने कहा कि बालोर से इसरहेड़ी तक रास्ता बहुत खराब है। विधायक बनते ही इस रास्ते को नए सिरे से चौड़ा और बेहतर बनवाएंगे। मास्टर प्लान में संशोधन करा, इस बेल्ट में बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट लाएंगे ताकि यहां की जमीन का रेट 25 करोड़ तक पहुंच सके और सेक्टरों में गरीबों को प्लाट मिल सके। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए नौकरियां दिलाएंगे। वहीं बहादुरगढ़ का कायाकल्प करा, इसे विकसित शहरों की सूची में अव्वल बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ है। सिद्धिपुर और आज पहले इससे रेडी भी था तो मान का गांव थे, लेकिन मैं अपने घर में आया और लोगों ने आशीर्वाद दिया और मैंने इनको माला डाल के अपना चुनाव सौंप दिया। रमेश दलाल ने जब तक चुनाव नहीं जीतेगा वो माला नहीं पहन रहा, वो लोगों को माला पहना रहा है। वो ये कह के माला पहना रहा है कि मेरा चुनाव मैंने आपको सौंप दिया। तो सिद्धिपुर, लोहा और इससे रेडी को, इस रोड पे जो मेरा परिवार है, खून का रिश्ता है, भाईचारा है, मेरे काका ताऊ, मेरे भाई भतीजे, उनको मैंने माला डाल के चुनाव सौंप दिया और परिवार के लोग हमेशा जिताते हैं, कभी हराते नहीं। युवाओं के लिए क्या किया जाएगा, क्योंकि बेरोजगारी सबसे पहले तो हमारे इस रोड पे बालोर से लेके इस रेडी तक रोड टूटा हुआ है। रोड चौड़ा भी करवाया जाएगा, बनवाया भी जाएगा और मास्टर प्लान में संशोधन करवा के बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के लिए लाए जाएंगे ताकि मेरे इस मान परिवार का कम से कम जमीन का रेट 25 करोड़ रुपए पहुंचे और गरीबों को सेक्टरों में प्लाट मिले। उसके बाद 1000 सरकारी नौकरी की मेरी गारंटी है, 5000 की मेरी घोषणा प्रयास है सरकारी नौकरी की 5 साल में, 10000 मिनिमम प्राइवेट निजी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में रमेश दलाल रोजगार देगा और 40000 का मेरा प्रयास रहेगा। पूरे बहादुरगढ़ के चारों तरफ आउटर रिंग रोड बनवा के उसके अंदर सारे भाईचारे को, पूरे बहादुरगढ़ के गांव को लाके नए ढंग से नक्शा बनवा के सापले से जो हमारे गांव दे रखे हैं, लवारेड़ी, जसोर खेड़ी, आसोदा, मांडोटी, उनको वहां से निकाल के और ग्रेटर बहादुरगढ़ जिसमें चिल्लर छिकारा के गांव का और लाइन पार का भी कायाकल्प विकास होगा, उस नक्शे को बनवा के और इस ग्रेटर बहादुरगढ़ को गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, नोएडा और पंचकुला से आगे लेके जाऊंगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। मुकाबला भ्रष्टाचार से, मेरा मुकाबला परिवारवाद से, मेरा मुकाबला उनसे है जो एक गांव के खड़े होकर के भ्रष्टाचार में डूब गए, किसी उम्मीदवार से नहीं है। भ्रष्टाचार में इसलिए कह रहा हूं, यहां वोटों को खरीदा जा रहा है और मैं परिवारवाद इसलिए कह रहा हूं, पहले तो मेरा ताऊ सूरजमल, फिर मेरा भाई राजेंद्र जून, तीसरे की तैयारी होगी तो मेरी लड़ाई परिवारवाद से। परिवारवाद में इसलिए कह रहा हूं कि नरेश कोशी का टिकट कटेगा, दिनेश कोशी को क्यों, वो किसी और ब्राह्मण को